तो केम छो भाई लोग, मज़ा मने। तो गाइस आपके लिए बहुत सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स लेके आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर लीजिए। तो पहले अपडेट के बारे में बात करने वाला कि यूट्यूब के बारे में, जो कि यूट्यूब ने 5 लगातार एड्स देने वाले हैं जो कि अनस्किपेबल एड, मतलब कि बंदा तो परेशान हो जाएगा ना। तो उसी बारे में यहाँ पे न्यूज़ बॉय ने कवर किया है, तो आपको जरूर सुनना चाहिए। यूट्यूब के बारे में एक बैड न्यूज़ है स्पेशली व्यूअर्स के लिए। तो ना आपसे आपको जो यूट्यूब पे 5 एड्स एक साथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूट्यूब अभी टेस्ट कर रहा है उस चीज का ना। मतलब आपको पता होगा पहले जो 2 एड कंटिन्यूअसली आते थे, लेकिन आपसे 5 एड्स भी आ सकती है, एंड वो 5 एड भाई अनस्किपेबल एड होंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे मनोज सारू लिखते हैं, यूट्यूब इज टेस्टिंग 5 अनस्किपेबल एड्स। यस यू हर्ड इट राइट भाई, 5 एड्स आने वाली है यार, बंदा परेशान हो जाएगा यार। तो सेकंड अपडेट के बारे में बात करने वाले यहाँ पे विराट कोहली के बारे में, जो कि विराट कोहली ने यहाँ पे 71 सेंचुरी कंप्लीट किया है। और यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे पोस्ट डाला है तो, जो कि बहुत बढ़िया है। एंड यहाँ पे रेड लाइट के साथ डाला है तो कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि बहुत अच्छा है। तो मैं इसी बात पे यहाँ पे कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, तो आप भी बोल देना कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे तीसरी अपडेट ये है कि यहाँ पे सौरव जोशी की तरफ से सिंपल सिंपल व्लॉग बना रहे हैं और पब्लिक के व्यूज़ भी छाप रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट उसके बाद उसका व्यूज़ बहुत ही कम हो जाता है। एंड भाई लोग, यहाँ पे टॉप न्यूज़ बॉय ने कवर किया है कि ऐसे सिंपल सिंपल व्लॉग मत बनाओ, तो उन लोगों ने क्या बोला है सौरव जोशी ने या टॉप न्यूज़ बॉय ने, तो आपको जरूर सुनना चाहिए। बहुत बड़ी गलती है जो कि नए नए ब्लॉगर्स कर रहे हैं, मुझे देख के सिंपली सिंपल सिंपल व्लॉग बना रहे हैं। सो हे गाइस, सो गाइस हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सौरव जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो गाइस सौरव जोशी व्लॉग्स ने आज के अपने व्लॉग वीडियो में जो नए ब्लॉगर्स होते हैं उनको लेकर के बात की है, और ऐसा कहा है कि मेरी तरह आप लोग नॉर्मल व्लॉग मत बनाओ, मेरा कॉपी मत करो, आपके अंदर खुद का कुछ टैलेंट होना चाहिए, तभी आप लोग का व्लॉग वीडियो चलेगा, तभी आप लोग फेमस हो सकते हो। तो जितने भी लोग मुझे देख के व्लॉग करते हैं उनको एक बात समझाना चाहूंगा, मेरा ऑलरेडी आर्ट चैनल है, इसीलिए मेरा व्लॉग चैनल चला था। सीधा मैंने अपनी सिंपल लाइफ नहीं दिखाई, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, यहाँ से मेरे को लोगों ने मेरा आर्ट देखा, कोई ये मेरा ये जो पीछे मेरे आर्ट रोल्स दिख रहे हैं ना, ये टैलेंट देखा मेरा। तो हाँ, इस बात को ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि ओनली आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दोगे मुझे देख के सिंपल अपनी लाइफ मेरी तरफ ब्लॉग दिखाओगे, कुछ ना कुछ तो यूनिक होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो टैलेंट होना चाहिए, तब जाके आपका चैनल चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि नए नए ब्लॉगर्स कर रहे हैं, मुझे देख के सिंपली सिंपल सिंपल ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप क्यों देखेगा भाई क्यों आपकी लाइफ। मेरे तो चलो आर्ट चैनल था, इसलिए मेरी लाइफ लोगों को देखनी थी। मैं बोलता हूँ कि भाई कुछ करो, कुछ आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए कि लोग आपको पता होना चाहिए आपकी वीडियो क्यों देखें लोग। तो यहाँ पे सौरव जोशी ने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया है सब लोगों को जो ब्लॉगर हैं, उन लोगों के लिए जो कि सिंपल सिंपल ब्लॉग बनाते हैं और कुछ नहीं होता, फिर बाद में व्यूज नहीं आते, इसीलिए बोला है क्योंकि आपका भविष्य, मतलब कि ऐसे फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए बोला है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही बात है। एंड यहाँ पे मैं ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी करना नहीं चाहूँगा। अब बात करने वाले हैं हमारे चौथी अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे टोटल गमी ने यहाँ पे पोस्ट किया है कि क्या फ्री फायर मैक्स बैन होने वाला है। तो इसी बात पे मैं तो बोलना चाहूँगा कि अभी तो कुछ ऐसा न्यूज़ वगैरह नहीं आए हैं, फिर भी यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी ऐसी बैटल ग्राउंड मतलब कि बैन हो चुका है, तो शायद ये भी इसका भी नंबर आ सकता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे बहुत सारा मैंने न्यूज़ एंड अपडेट आपको बताई और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता भी चला होगा। एंड भाई लोग, यहाँ पे मेरा वॉइस में थोड़ा बहुत ऐसा उधर उधर होता है, तो इसीलिए मैं माफ़ी चाहना चाहता हूँ, बट यहाँ पे ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो मेरा न्यूज़, मतलब कि ऐसे न्यूज़ चैनल भी मेरी आगे जाती रहेगी। तो चलिए गाइस, ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।